दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर यानी कि RSMSSB का एक प्रेस नोट जारी किया गया है। एग्जाम डेट को पोस्टपोन किया गया है, क्या वो जानकारी है कौन सी यहाँ पर एग्जाम को स्थगित किया गया है। इससे पहले भी दो एग्जाम्स यहाँ पर स्थगित किए गए थे जो 10 फरवरी को होने वाले थे, उनको भी बोर्ड ने निरस्त किया था, एग्जाम को स्थगित किया था। और एक और एग्जाम यहाँ पर बड़ी भर्ती की एग्जाम यहाँ पर स्थगित की गई है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के, और न्यूज एंड नोटिफिकेशन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। पटवार 2015 कैंसिलेशन ऑर्डर है ये किसी का। और दूसरा यहाँ देख सकते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 पोस्टपोनमेंट ऑर्डर फॉर एग्जाम ऑफ फार्मासिस्ट 2018। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर निरस्त किया गया है दोस्तों। और निरस्त ये 24 फरवरी को ये एग्ज़ाम होने वाली थी और 24 फरवरी को ये अब एग्ज़ाम नहीं होगी। आज की डेट देख सकते हैं 14 फरवरी 2019 प्रेस विज्ञप्ति, और बोर्ड द्वारा दिनांक 24/2/2019 को अपराह्न 28 बजे से शायद 5:30 बजे तक जयपुर में आयोजित होने वाली फार्मासिस्ट सीधी भर्ती परीक्षा 2018 अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा स्थगित की जाती है। इस परीक्षा के आयोजन के लिए नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने पर यथासमय राज्य स्तरीय समाचार पत्रों और बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। अद्यतन और नवीनतम सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। BL जाटावत। तो यहाँ पर दोस्तों जो फार्मासिस्ट वैकेंसी है पैरामेडिकल विभाग की, उसको यहाँ पर रद्द किया है, जो 24 फरवरी को जिसका पेपर होने वाला था, तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले उसे रद्द किया गया है। अब वो एग्ज़ाम नहीं होगी। जो नई तिथि है वो जल्द ही बोर्ड के द्वारा घोषित कर दी जाएगी, इसलिए इस एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको ये प्रेस नोट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या बोर्ड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। जय हिंद जय भारत।